Assalamu alaikum, what's up, Saife people? This is Saif Khan and you're watching Saife Vlogs. Kaise aap sab? And welcome to my another vlog. So, bahut din se soch raha tha ki Q&A karenge. To aaj wo din aa gaya. Aur do din pehle main dala tha Instagram par mere. To jo kuch bhi mere se question puchna chah rahe ho, questions puch sakte. To main iska zarur reply dunga. To 80 से 90 क्वेश्चंस आए और उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट भी क्वेश्चंस थे तो मैं गिने चुने इतने क्वेश्चंस निकाला तो उसका रिप्लाई देंगे. चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे. अरे रुको पहले जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को. तो चलिए Q&A स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ योर जर्नी हैज़ बिन स्टार्टेड ब्रो. अच्छा क्वेश्चन है. अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, अभी बहुत बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह. आप लोगों की दुआ और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जर्नी स्टार्ट हुई जब किराक हैदराबादी का 2018 में बहुत ज़बरदस्त पूरे हैदराबाद में किराक हैदराबादी चला था भाई. तो जब मेरे को ऐसा दिखा कि भाई तू भी कुछ कर सकता है, फिर कर सकता और करने में बहुत फ़र्क है. करके दिखाइए, बोलने से कुछ भी नहीं होता. तो ऐसे ही खाली सोचने में एक साल ख़त्म हो गया मेरा, लिटरली दो साल भी ख़त्म हो गए थे. फिर जनवरी में दिसंबर में भैया का कॉल आया मेरे को कि सैफ कल जुमेरात बाज़ार का जाके ब्लॉग बना के आओ. तो मैं परेशान हो गया, अरे ये क्या हो गया भैया, ऐसा ब्लॉग बना के आओ बोले. मतलब इससे पहले तो कुछ भी सपोर्ट नहीं था मेरे को, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते थे ऐसा करो बोल के. तो जब भैया कॉल करके बोले सैफ कल जुमेरात बाज़ार का ब्लॉग बना के आओ, तो मैं अपने में आप नहीं था, अरे ये क्या बोल दिया भाई ब्लॉग बना के आओ बोले. इतनी खुशी थी. 4 बजे रात उठ के पानी भी ना आया मुझे. 4 बजे रात उठ के पानी ना आया कि मेरे को ब्लॉग बनाने जाना है बोल के. तो गया जुमेरात बाज़ार, वहाँ का ब्लॉग बना लिया, सब कर लिया, अच्छे से शूट कर लिया ब्लॉग. जब घर को आ रहा था तो अचानक से जो कैमरे की मेमोरी कार्ड रहती रस्ते में आ जाती, मेमोरी कार्ड गिर गई. तो जब घर को आके देखा ब्लॉग बना के, अरे ये क्या मेमोरी कार्ड घूम गई. तो मैं सोचा आई ले ये क्या हो गया, पहला ब्लॉग बनाने गया तो ये ज काम हो गया. तो कुछ भी समझ में नहीं आया लगा, आई ले ये था मेरा, मतलब ऊपर वाला ही बोला कि नको बनाओ ब्लॉग, ऐसा सोच लिया था मैं. फिर ऐसा बोला कि भैया ऐसा मेमोरी कार्ड घूम गई. तो भैया बोले कुछ भी ना था, लाइट लो उसको. नेक्स्ट संडे के दिन जाके NTR गार्डन का ब्लॉग बनाओ. फिर मेरा पहला ब्लॉग था NTR गार्डन का, ऐसा स्टार्ट हुआ. बस अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है, आप लोगों का सपोर्ट रहा. तो सेकंड क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कॉमेडी स्क्रिप्ट्स भी अपलोड करो ना भाई. वालेकुम सलाम भाई, कॉमेडी स्क्रिप्ट्स भी अपलोड करो ना भाई. जहाँ तक मैं हूँ एज ए ब्लॉगर, तो मैं सोचा कि प्रैंक शूट करूँ इंशाल्लाह. ये लॉकडाउन के बहुत एक ज़बरदस्त प्रैंक शूट करेंगे, हंस हंस के लौटना भाई. वैसा प्रैंक वैसा सोच के रखा मैं, लॉकडाउन है घर के बाहर नहीं निकल सकते, इस वजह से वो शूट नहीं हो रहा. लॉकडाउन के बाद ज़बरदस्त प्रैंक शूट करेंगे. तो थर्ड क्वेश्चन है, से मी अबाउट योर सेल्फ गुड एंड बैड क्वालिटीज इन यू. के गुड क्वालिटीज तो नहीं बोल सकता, तो फिर भी मेरे बैड क्वालिटीज बोलता हूँ. बैड क्वालिटीज बोले तो भी बस एक ही है, पट से गुस्सा आ जाता भाई, एक ही चीज़ है. कुछ ही बोलते कि अरे भाई अगर मैं कुछ ऐसा नहीं करना बोला फिर भी काम कर दिए तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बस यही है बैड क्वालिटी. तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स एंड अगर आप ब्लॉगर नहीं होते तो आज क्या होते. तरकारी ले लो तरकारी. ऐसा नहीं, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, लाइक मैं अच्छे से स्टडीज़ करूँ और अच्छा था एक बहुत अच्छा था जॉब करूँ, साथ ही साथ ब्लॉगिंग. ये तीन चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, इसको लेके बहुत आगे जाना है. अगर ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते, ब्लॉगर नहीं होते तो क्रिकेटर होते थे. क्रिकेट से भी एक मेरा बहुत दिल से रिश्ता था, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया क्रिकेट को लेकर मेरे साथ, तो दिल टूट गया भाई. एक बार दिल टूटने के बाद वो चाहे कुछ भी हो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता. तो बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी, फिर कभी बाद में सुनाता हूँ आपको, बस यही था उसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत
आपकी कितनी GF है टोली बोला। वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। GF ना शर्मा तो समझ रहे होंगे, 50-60 GF है इसको बोल के। अरे अरे खाली पब्लिक को बोल रहा हूँ मम्मी, सवाल करे तो सवाल का आंसर देना पड़ता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिंगल और फॉर एवर सिंगल, यही है। ज़्यादा भी बोले तो चपैक बोल के चप्पल लगती आके बस तेज। तो ये है हमारे उमर खान। उमर आपके चाचा को चाची हो ना। नहीं बोल रहे भैया। यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अस्सलाम वालेकुम, बिग फैन ऑफ योर टिकटॉक्स वीडियोस एंड व्लॉग्स। सही बोल रहे, मेरी तारीफ कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच भाई। इंशाल्लाह भी बहुत प्लान्स है टिकटॉक को लेकर, यूट्यूब को लेकर बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त कंटेंट लाएंगे और वीडियोस तो बहुत बहुत डाल देंगे। आखिरी पब्लिक देखे चीखा मारना देख के बस। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? लॉकडाउन में इतने दिन घर पे रहकर कैसा दिख रहा? आखिरी बोर मार रहा भाई, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हमारे मम्मी भी परेशान हो जा रहे, बच्चे घर में रह के क्या करेंगे इतने दिन। परेशान होने की बात नहीं है, ये हमारी सेफ्टी के लिए हमारे KCR सर और नरेंद्र मोदी सर लॉकडाउन रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी आंखों का राज क्या है जो के इतने अट्रैक्टिव है? सही बोल रहे, क्या है कि हमारे मम्मी को पूछ के बोलना पड़ता। ऑलराइट, ये था मेरा Q&A जो के मोर देन 70 पीपल्स सेफी पीपल्स करे थे, तो सिंपली सॉरी, उसमें सबके क्वेश्चन नहीं दे सकता और उसमें ज्यादा तौर तो रिपीट क्वेश्चंस थे भाई, लाइक कितने जीएफ से ये वो घर में ये तो, और बहुत ज़्यादा तो थे भाई आप किसको देख के इंस्पायर हुए, और ये भी बहुत ज़्यादा थे कि आपके कितने जीएफ से, तो सबको मिलाकर एक कर दिए। तो बस यही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी 1K करिए भाई, 1K होना जल्दी। यही, stay safe.